यानी कि नहीं मिलना चाहिए सवर्णों को आरक्षण? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि गरीबी उन्मूलन का हथियार नहीं है। इकोनॉमिकली वीकर हैं, अपर कास्ट में उनको रिजर्वेशन दिया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। सवर्णों के लिए जो 10% आरक्षण का बिल पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, वो कहने का तो गरीब सवर्णों के लिए है, लेकिन गरीबी जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो 8 लाख सालाना यानी 65,000 से ज़्यादा महीना और 2,000 रुपये से ज़्यादा रोज कमाएंगे, उनको भी इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ये गरीब सवर्णों का आरक्षण नहीं है, ये सवर्णों का आरक्षण है। अब हम बात करेंगे बीजेपी के सांसद उदित राज की। उदित राज जब पटना आए थे कुछ दिन पहले, तो हमने एक इंटरव्यू उनका किया था और हमने पूछा था कि सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस पर उन्होंने क्या कहा ये देखिए, और उसके बाद हम आपको ये दिखाएंगे कि जब मोदी सरकार इस बिल को लाई तो उसके बाद वो किस तरह से समर्थन किए। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें कुछ महीने पहले उदित राज क्या बोल रहे थे सवर्णों के आरक्षण पर, और उसके बाद आप देखिएगा कि गिरगिट से भी तेज़ी से कैसे रंग बदल दिए बीजेपी से। उदित राज जो सांसद हैं दलित समाज से आते हैं और दलितों के लिए बहुत आंदोलन किए हैं, अब राजनीति में आ गए हैं तो पूरी तरह नेता हो गए, और जैसे नेता बदलते हैं उसी तरह गिरगिट की तरह ये भी बदले। दोनों वीडियो आप देखिए और उसके बाद आप तय कीजिए कि हमारे दलित नेताओं को क्या हो गया है, क्या ये वाकई हमारे नेता हैं, हमारे नाम की राजनीति करते हैं, हमारे नाम पर, हमारे समाज के नाम पर वोट लेते हैं, हमारे समाज के नाम पर इनको सम्मान मिलता है, चंदा मिलता है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये देखिए वीडियो। सवर्णों के आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग हो रही, जो गरीब सवर्ण, मैं नहीं समझता हूँ कि होना चाहिए, इसलिए कि आरक्षण का आधार जो लागू किया है पिछड़ों में, आर्थिक आधार वो भी हटना चाहिए, और जो मूल संविधान के अंदर रही है बात कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर, पिछड़े भी सामाजिक, पिछड़े वर्ग के लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, वही क्रीमी लेयर लगाना गलत था सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी वाले केस में। अब अदालत तो इस समय कानून बना रही, इनका क्या कोई करे, और 50% की जो सीमा लागू करी कौन से संविधान में लिखा हुआ है? संविधान में कानून बनाने का अधिकार संसद को है, ये कौन सा संसद बन गए हैं, ये तो संसद से भी बड़े संसद, सुपर संसद यही बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सुपर संसद है, यानी कि नहीं मिलना चाहिए सवर्णों को आरक्षण? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि गरीबी उन्मूलन का हथियार नहीं है। तो आप ही के पार्टी के कई नेता हैं। गरीबी उन्मूलन का हथियार सरकार की योजनाएं हैं। सरकार 365 दिन के रफ्तार से काम करती है, सैकड़ों योजनाएं हैं, अभी मनरेगा, जनधन है, जीवन ज्योति बीमा है, इंद्रधनुष है, और आपका मुद्रा लोन है, स्टैंडअप है, स्टार्टअप है, और कितनी स्कीमें आप करते चले जाइए, आंगनबाड़ी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है, इतनी बहुत सारी योजनाएं गरीबी मिटाने, तो ये गरीबी के लिए तो है। आप ही की सरकार अगर गरीबी के आधार पर सवर्णों को आरक्षण दे तो आप आवाज़ उठाएंगे इसके खिलाफ? भैया ऐसा है तो मैं तो ऐसी स्थिति में कहूँगा कि जितने गवर्नमेंट जॉब हैं उस सब का बंटवारा जो जाति जितनी है उसके संख्या के अनुपात कर दिया जाए, झगड़ा ही खत्म हो जाए, आरक्षण नहीं होना चाहिए आर्थिक। हाँ, नहीं, उसमें मायावती ने कहा है कि अगर संविधान में संशोधन करके केंद्र सरकार जो बीजेपी की मोदी सरकार उसे सवर्णों को करीब 20% तक आरक्षण देती है केंद्र सरकार, तो सबसे पहले जो समर्थक होगी वो BSP होगी, मैं समर्थन में आऊंगी सबसे पहले। चलिए ठीक है, उनका अपना ओपिनियन है, उनकी ओपिनियन उनसे पूछे, मेरी ओपिनियन आपने सुन लिया, देखिए वीडियो। इसका स्वागत होना चाहिए, इकोनॉमिकली वीकर हैं, अपर कास्ट में उनको रिजर्वेशन दिया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। तो वीडियो देख के समझ में आ गया होगा आपको कि हमारे समाज के जो नेता हैं, कथित तौर पर हमारे समाज के नेता, ये दलित समाज में पैदा जरूर हुए हैं, दलितों के नेता ये नहीं है। दलितों के नेता वो हैं जो दलितों की ही बात करेंगे, दलितों की लड़ाई लड़ेंगे, और जो ये आरक्षण है सवर्णों का आरक्षण वो आर्थिक आधार पर इसलिए दिया गया है ताकि बाद में जो हमारा जातीय आरक्षण है उसको ख़त्म करके संपूर्ण आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू किया जाएगा, और हम लोग फिर वहीं आ जाएंगे जहां हम हजारों साल पहले थे, जिससे उबारने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में जातीय आधार पर, सामाजिक आधार पर आरक्षण दिया था।
शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पोल पट्टी खुले ऐसे दलित नेताओं की, जो हमारे समाज के नेता कहलाते हैं लेकिन हमारे समाज के लिए किसी भी काम के नहीं हैं।